अस्सलाम वालेकुम, मैं रफीक भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी सऊदी अरेबिया के मुतल्लिक, और सऊदी अरेबिया में जो भी मुसाफिर है जो सफ़र पे जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए ज़रूरी है, चाहे वो वर्क वीज़े पे है, चाहे वो उमरा या हज के लिए आया है सऊदी अरेबिया में, उसको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। गाका एविएशन ने बाकायदा आज एक लेटर जारी किया है तमाम एयरलाइंस को, जितनी भी सऊदी अरेबिया में एयरलाइंस, जस्ट सऊदी अरेबिया एयरलाइन के लिए नहीं है, PIA, कतर एयरलाइन, जो भी सऊदी अरेबिया में काम कर रही है एयरलाइन, उसको लेटर जारी किया गया है और उस लेटर पे इम्प्लीमेंट करवाने का कहा गया है। क्या लेटर जारी किया गया है कि जो भी मुसाफिरों के चेकड इन बैग हैं, चेकड इन बैग वो बैग होते हैं जो आपने एयरपोर्ट पर चेक करवाने होते हैं, आपका सामान जो आप उसको एलिमिनेशन करके जाते हैं या आपका बैग, उसमें लिक्विड को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, मना कर दिया गया है, और इस लिक्विड में अब जमजम भी आता है। और अब सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक ये टोटली बैन है, आप अपने बैग में कोई लिक्विड चीज़ जिसमें अब जमजम भी है वो सऊदी अरेबिया से नहीं ले जा सकते। और कोई भी परदेसी भाई ये नहीं चाहेगा कि डिपार्चर के वक्त उसको इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़े। इस चीज़ पर गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से बकायदा पाबंदी कर दी गई है, और अगर आपके बैग में से लिक्विड या फिर आब जमजम निकल आता है एयरपोर्ट के ऊपर, तो आपको जो सऊदी अरेबिया का नया कानून बना है उस कानून का सामना करना पड़ेगा। अभी इसमें उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि इसकी क्या सज़ा है, लेकिन जो भी सज़ा उन्होंने तयन की वो आपको भुगतनी पड़ सकती है। सो प्लीज़ ये मैसेज मेरे तमाम परदेसी भाइयों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि एयरपोर्ट पर एंड डिपार्चर टाइम के मुताबिक किसी भाई को इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। ये प्लीज़ ये मैसेज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर किसी को नहीं पता तो उसे भी पता चल जाए। ये इन्फॉर्मेशन आप सब परदेसी भाइयों के लिए ज़रूरी है जिन्होंने सऊदी अरेबिया से सफ़र करना है। लिक्विड में अब जमजम भी आता है, और जो भी चीज़ें लिक्विड में आती हैं वो मना है। एयरपोर्ट से आप अपने मुल्क में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कोई भी मुल्क, उसमें आप ये चीज़ें अपने बैगेज में नहीं लेके जा सकते। हाँ, अगर आप अब जमजम लेके जाना आपके लिए ज़रूरी है और आप ले जाना चाहते हैं, तो इसका ये प्रोसीजर है, आप एक प्लास्टिक का बैग लें और आप बाय हैंड कैरी लेके जाएं। बाय हैंड कैरी लेके आप जा सकते हैं, लेकिन अपने बैग में और जो बैग, जो सामान आपका चेक होना है एयरपोर्ट पे और जमा होना है, उसमें आप ये चीज़ें बिल्कुल ना रखें, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक उसकी सज़ा मिलेगी अगर आपने इस तरह का कोई एक्ट किया तो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से किसी परदेसी का फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।